Hello everyone, welcome to AC Plus powered by Advanced Engineering Classes. So dear students, as we have studied about all segments of Indian history like ancient history, medieval history and modern history. Now it is the time to be recall all these segments through MCQ series. जैसा कि हम लोग इतिहास के प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक सेगमेंट को पढ़ चुके हैं तब वो समय है इन सारे सेगमेंट को हम लोग अध्ययन करेंगे एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से जिससे कि हम ये समझ पाएंगे कि ठीक ठीक क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं हमको कितने चीज़ें रिकॉल हैं कितनी चीज़ें रिकॉल नहीं हैं तो इट इज़ द बेस्ट वे टू रिकॉल ऑल द थिंग्स इन अवर माइंड एंड इट इज़ ऑल्सो द बेस्ट वे टू मेमोराइज थिंग चीज़ों को याद रखने के लिए एंड इट इज़ ऑल्सो अ बेस्ट वे टू रिवाइज ऑल द स्टडी हमारी स्टडी को रिवाइज करने में भी एमसीक्यू सीरीज़ बड़ा हेल्प करती है जो क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं जो आगे एग्जाम में पूछे जाने के लिए एक्सपेक्टेड है इन सारे क्वेश्चन की सीरीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप समझेंगे एक होता है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना एक होता है एमसीक्यू को डिस्कस करना तो जब हम एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं तो एक क्वेश्चन में बहुत सारी सेगमेंट डिस्कस हो जाते हैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे एग्जाम में ज़रूर आ जाती हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज का डिस्कशन हु इज नॉट पार्ट ऑफ त्रिमुनि ऑफ व्याकरण व्याकरण के तीन शासकों को तीन लेखकों को त्रिमुनि ट्राइलॉजी कहा जाता है उसमें नंबर एक है कात्यायन और दो है पाणिनि नंबर तीन है पतंजलि कल्हण को इसके लिए नहीं माना जाता वो व्याकरण नहीं लिखा वे इतिहासकार हैं तो इन तीनों को कहा जाता है कात्यायन ने सूत्र लिखा पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा ठीक है इन तीनों को हम कहते हैं व्याकरण के तीन मुनि यानी तीन आचार्य तो उसका उत्तर होगा कल्हण क्योंकि कल्हण व्याकरण से संबंधित नहीं है वो इतिहास से संबंधित है बाकी तीनों ने व्याकरण के संबंध में पुस्तकों को लिखा है नेक्स्ट विच ब्राह्मण ग्रंथ हैज डिस्क्रिप्शन ऑफ फेमाइन फेमाइन का मतलब होता है अकाल सूखा ठीक है तो कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में इसका वर्णन हमको मिलता है एक है तांड ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण षड्विक ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण पहले हम इनके वेद पहचान लेते हैं कि ये किस किस वेद से संबंधित हैं तो पहले लिखते हैं तांड ब्राह्मण तांड ब्राह्मण का संबंध है सामवेद से ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध है ऋग्वेद से षड्विक ब्राह्मण का संबंध सामवेद से ही है और कौशितकी ब्राह्मण का संबंध है यजुर्वेद से अब तांड ब्राह्मण में क्या है ये हम समझते हैं तांड ब्राह्मण में लिखा हुआ है सरस्वती नदी का उद्गम एवं विलोपन वो कैसे गायब होती है और कैसे इमर्ज होती है ये तांड ब्राह्मण में मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है जिसमें यज्ञों एवं शासन का उल्लेख है जैसे पूर्व में कौन सा राजा है पश्चिम में कौन सा राजा है षड्विक ब्राह्मण है जो सामवेद का इसमें लिखा हुआ है भूकंप के बारे में अकाल के बारे में और सूखा के बारे में ठीक है और जो कौशितकी ब्राह्मण है ये
व्यवहारिक, ज्ञान की समीक्षा करता है, व्यवहारिक ज्ञान की समीक्षा करता है। तो कौशितकी ब्राह्मण, यह है उसका सही उत्तर। सॉरी, ये उसका उत्तर नहीं होगा, सही उत्तर होगा उसका सड्विस ब्राह्मण। ठीक है, तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ कौन से वेद से संबंधित है ये भी हमको पता होना चाहिए, तभी हम उससे संबंधित तथ्यों का पता लगा पाएंगे। अगर हमने इन चीज़ों को ठीक से समझा है तो हम चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। नेक्स्ट, विच ब्राह्मण ग्रंथ हैज डिस्क्रिप्शन ऑफ रिवर सरस्वती। अगर आप याद करेंगे इससे पहले वाली स्लाइड, तो उसमें मैंने डिस्कस किया है। अब इसमें भी हम वही कैटेगरी कर लेते हैं कि कौन से वेद का, कौन से तांड ब्राह्मण किसका है, साम वेद का है, अथर्व ब्राह्मण ऋग्वेद का है, गोपत ब्राह्मण ये है अथर्ववेद का, और कौशितकी ब्राह्मण यह है यजुर्वेद का। तो बाकी के बारे में हम लोग लिख चुके हैं, केवल जिनके बारे में नहीं लिखे थे उनका लिखेंगे। जैसे गोपत, इसमें निजता यानी प्राइवेसी के बारे में दिया गया है, और ये आपको पता ही है कि सामवेद की इस पुस्तक में सरस्वती रिवर के बारे में लिखा हुआ कि हाउ इट इमर्ज्ड एंड हाउ इट गॉट एक्सटिंक्ट, ये कैसे उत्पन्न होती है और कैसे विलोपित यानी कि गायब हो जाती है, इसका उल्लेख तांड ब्राह्मण से मिलता है जो कि सामवेद का है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट इज नॉट रिटन इन पाली। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो बुद्धा के जो टेक्स्ट हैं वो हमको दो भाषा में प्राप्त होते हैं, टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के टेक्स्ट दो भाषा में प्राप्त होंगे, कुछ प्राप्त होते हैं हमको पाली में। तो जो पाली में प्राप्त होते हैं उनमें हैं सुत्त पिटक विनय पिटक अभिधम्म पिटक दीप वंश महावंश मिलिंद पन्हो एंड जातक टेल्स, जातक टेल्स। और जो संस्कृत में मिलते हैं उनमें है बुद्ध चरित, सौंदरानंद, बुद्ध चरित सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, सारिपुत्र प्रकरण। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा टेक्स्ट है जो पाली में नहीं लिखा गया है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं महावंश पाली का है, पाली में मिल जाएगा आपको, और जो जो टेक्स्ट है दीपवंश ये भी पाली का है, ये भी पाली का है, बुद्ध चरित पाली का नहीं है, ये हमारा उत्तर होगा, ये भी पाली का ही है। बुद्ध चरित को लिखा किसने ये भी पता होना चाहिए, इसको लिखा है अश्वघोष ने। अश्वघोष किसके दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में थे। कनिष्क, कनिष्क किस वंश का था, कुषाण, कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में थे अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित लिखा है। इस बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है, महाकाव्य कहा जाता है, समझ पाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैज डिस्क्रिप्शन ऑफ 16 महाजनपद। बुद्ध धर्म का जो पहला टेक्स्ट था, पिटक था, उसका नाम था सुत्त पिटक, और जो सुत्त पिटक था, सुत्त पिटक था, इसको
लेखक कौन है इसका? तो इसके लेखक है आनंद, जो बुद्ध के डिसाइपल थे, शिष्य थे, उन्होंने इसको लिखा है। इसके डिवीजन किए गए हैं बहुत सारे सुत पिटक के, है ना। सुत पिटक का जो पहला पार्ट है उसका, उसको कहते हैं दीघ निकाय, उसको निकायों में बांटा गया है, दीघ निकाय। दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा है अगंतुर निकाय, और नेक्स्ट है संयुक्त निकाय, और उसके बाद है खुंदक निकाय। ये पांच निकाय हैं। तो जो अगंतुर निकाय है, अगंतुर निकाय में ही ये डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है कि उत्तर भारत में 16 महाजनपदों का शासन था, 16 महाजनपदों का शासन था, ठीक है। ये हमको कहां से मिलता है? अगंतुर निकाय से प्राप्त हो जाता है। गॉट इट? क्लियर। नेक्स्ट, एट विच प्लेस फिफ्थ काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म वाज कॉल्ड, बौद्ध धर्म की पांचवी संगीति कहां हुई? तो पहले बौद्ध धर्म की बाकी काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। सिक्स्थ भी लिख लेते हैं। तो पहली काउंसिल हुई 483 बीसी में, सेकंड हुई 383 बीसी में, बीसी, थर्ड हुई 251 बीसी में, और फोर्थ हुई फर्स्ट सेंचुरी में, एडी में, ठीक है। और फिफ्थ हुई 1854 में, और सिक्स्थ हुई 1954 में, ठीक है। अब ये दो काउंसिल हैं, इनको बाकी लोग नहीं मानते हैं, इसको दूसरे ट्रेडिशन के लोग मानते हैं। अब ये देखते हैं कि इन काउंसिलों में हुआ क्या। फर्स्ट काउंसिल को किसने बुलाया? अजातशत्रु ने। दूसरी को किसने बुलाया? कालाशोक ने। तीसरी को किसने बुलाया? अशोक ने। फोर्थ को किसने बुलाया? कनिष्क ने। इसको किसने बनाया? म्यांमार के किंग थे लुविन, उन्होंने बुलाया, और इसको म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बुलाया। अब इन काउंसिल में हुआ देखते हैं। देखो, इस काउंसिल को प्रिसाइड किया था किसने? महाकश्यप ने। इसको प्रिसाइड किसने किया था? साबक मीर ने। इसको प्रिसाइड किसने किया? मुगली पुत्र ने। इसको किसने किया? वासुदेव ने। इसको किसने किया प्रिसाइड? इसको फाइव मॉन्क्स ने किया, किसी एक ने नहीं किया। इसको लगभग 12 मॉन्क्स ने एड्रेस किया। ये कहाँ हुई थी? पहली अजातशत्रु ने बुलाई थी अपनी कैपिटल में, इसका नाम था राजगृह। ये कहाँ हुई थी? वैशाली। ये कहाँ हुई थी? थर्ड, अशोक की पाटलिपुत्र। और ये कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। ये कहाँ हुई? मांडले म्यांमार में। ये भी मांडले म्यांमार में हुई। तो ये छह काउंसिल का डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है, और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि पांचवी काउंसिल कहाँ हुई। तो कुंडलवन कश्मीर में कौन सी हुई? फोर्थ। अनुराधापुरम में कौन सी हुई? अनुराधापुरम में किसी को नहीं बुलाया गया। टोक्यो में कौन सी हुई? कोई भी नहीं हुई। यहाँ भी कोई नहीं हुई। मांडले में हुई, फिफ्थ। तो मांडले इज द राइट आंसर, ठीक है। बेसिकली बुद्धिज्म में चार काउंसिल के बारे में पूछा जाता है ना। ये दूसरे बुद्धिस्ट मत के लोग हैं इसमें विश्वास करते हैं, बाकी लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं।
नेक्स्ट इज विच ब्रांच ऑफ ऋग्वेदा इज अवेलेबल इन प्रेजेंट टाइम। ऋग्वेद इतना प्रोमिनेंट टेक्स्ट है किसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। एक है शाकल, मांडुक, शाकल, मांडुकायन, अश्वलायन और भाष्कर, और पांचवी है अश्वलायन। अश्वलायन अभी हमारे पास जो अवेलेबल है परफेक्ट फॉर्म में उसका नाम है शाकल। केवल शाकल जो एडिशन है ऋग्वेद का वही सबसे बेस्ट फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट, मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट मेथड्स आर डिस्क्राइब्ड इन विच वेदा, किस वेद में दवाइयों इत्यादि के बारे में वर्णन मिलता है। देखिए ऋग्वेद का उपवेद है जिसका नाम है आयुर्वेद, सामवेद का है, गंधर्व वेद, यजुर्वेद का है, धनुर्वेद, अथर्ववेद का है, शिल्पवेद, ठीक है, आयुर्वेद जीवन की संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है लाइफ का, लेकिन यहां दवाइयों का जिक्र नहीं मिलता है। जैसे जो हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, चिकित्सा पद्धति की बात करते हैं, वो हमको मिलती है अथर्ववेद में। चिकित्सा पद्धति का उल्लेख हमको मिलेगा मेडिसिन इसके साथ, अथर्ववेद के साथ। तो इसका सही उत्तर है अथर्ववेद। इसमें कंफ्यूजन केवल आयुर्वेद को लेकर होता है, तो आप क्लियरली रखिएगा, आयुर्वेद में इसका डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है दवाइयों का। नेक्स्ट, विच ब्राह्मण टेक्स्ट हैज द डिस्क्रिप्शन ऑफ गेस्ट वेलकम, कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में गेस्ट वेलकम का डिस्क्रिप्शन मिलता है? तो यह मिलेगा हमको तैतृय ब्राह्मण में। अतिथि देवभव, ठीक है, ये हमको इसमें मिलेगा। नेक्स्ट, इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा हैज डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ण सिस्टम, तो ये आप जानते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक सूक्त है जिसका नाम है पुरख सूक्त। इस सूक्त में मिलता है जाति व्यवस्था का उल्लेख, जहां ऑलमाइटी ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को और शूद्रों को बनाया है। ब्राह्मणों को अपने मुख से, क्षत्रियों को अपनी भुजाओं से, वैश्यों को अपने उदर से और शूद्रों को अपने पैरों से बनाया है। ये ऋग्वेद के 10th मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है हमको। हाउ मेनी अष्टकास इन ऋग्वेदा, अभी हमने मंडल देखे थे, अब अष्टक देखते हैं। ऋग्वेद का जो क्लासिफिकेशन है उसमें अगर हम अष्टक देखेंगे, अष्टक, तो अष्टक मिलेंगे 8। फिर अष्टक को डिवाइड किया गया है इसमें अध्याय में, चैप्टर में, अध्याय, तो अध्याय कितने हो जाएंगे यहां पर 64। अध्याय को डिवाइड किया गया है वर्ग में, और वर्ग कितने हो जाएंगे 2006, ठीक है। अब पूछा गया कि इसमें कितने अष्टक हैं, अष्टकास इन ऋग्वेदा, तो अष्टक कितने होंगे 8। अगर वो पूछेंगे अध्याय कितने होंगे तो हो जाएंगे 64। अगर पूछेंगे वर्ग कितने होंगे तो हो जाएंगे 2006। अगर वो पूछेंगे सूक्त कितने हैं तो हो जाएंगे 1028, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज वर्ड इज यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स इन ऋग्वेदा, ऋग्वेद में किस किस शब्द का सबसे ज्यादा बार यूज किया गया है? जैसे सरस्वती रिवर है, उसको 3 बार यूज किया गया है,
इंद्र का यूज 250 टाइम्स किया गया है, गंगा का एक बार किया गया है और पिता का 352 टाइम्स किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? पिता, पिता शब्द का सबसे ज्यादा बार, अगर देवताओं की बात करेंगे तो इंद्र का सबसे ज्यादा बार यूज किया गया है। ऋग्वेद में किस शब्द का सबसे ज्यादा बार प्रयोग मिलता है? नेक्स्ट, हु मेड द ट्रांसलेशन ऑफ मुद्रा राक्षस इन हिंदी? मुद्रा राक्षस मृच कटिक, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है, विशाख दत्त की पुस्तक है, गुप्तकालीन है, संस्कृत में है, संस्कृत में है। इसको हिंदी के प्रसिद्ध कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1871 में इसको ट्रांसलेशन किया था, इसको ट्रांसलेट किया था हिंदी में। हिंदी में अनुवाद इसका किया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट, विच पुराण हैज द डिस्क्रिप्शन ऑफ शुंग डायनेस्टी? शुंग वंश का उल्लेख कौन से पुराण में मिलता है? पद्म पुराण में नहीं है, पुराण में नहीं है, विष्णु पुराण हैज द डिस्क्रिप्शन ऑफ शुंग वंश। शुंग वंश का उल्लेख इसी पुराण से हमको मिलता है। इस पुराण में शुंग वंश के अलावा मौर्य वंश की जानकारी भी मिलती है, वायु पुराण में गुप्त वंश की भी जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की भी जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज पुराण बिलोंग्स टू हिंदू? देखिए, पुराणों का उल्लेख केवल हिंदू परंपरा में नहीं, जैन परंपरा में भी है। जैसे हम यहां देख पा रहे हैं कालिका पुराण, इसका संबंध जैन आइडियोलॉजी से है, हरिवंश पुराण भी जैन आइडियोलॉजी से है और भगवती पुराण भी जैन आइडियोलॉजी से है, कूर्म पुराण वैदिक पुराण है, इसका संबंध हिंदू मत से है। ये वैदिक 18 पुराणों का पाठ है, वैदिक 18 पुराणों में से एक, ठीक है। ये बाकी तीनों पुराण जैन मत से हैं। द टेक्स्ट मत ब्लास परेशन इज अबाउट, यह एक नाटक है, एक कॉमेडी है, इसको पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन के बारे में लिखा गया है, महेंद्र वर्मन के समय पर, के समय में, ठीक है। दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध नाटक है मत्त विलास प्रहसन, मत्त विलास प्रहसन, ठीक है। तो संबंध पल्लव वंश से है। नेक्स्ट, मंजूश्री मूलकल्प इज अबाउट, मंजूश्री मूलकल्प यह है संस्कृत से संबंधित, संस्कृत में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है, इसमें बोधिसत्व के बारे में समझाया गया, बोधिसत्व के बारे में, तो इसका संबंध बुद्धिज्म से है, ठीक है। नेक्स्ट, द रामायण ऑफ वाल्मीकि वाज रिटन इन विच लैंग्वेज? वाल्मीकि ने रामायण को सबसे पहले, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखा गया, तमिल की जो रामायण है वो कम्बन ने लिखी, कम्बन ने लिखी। प्राकृत भाषा में रामायण नहीं है, अवधि में है रामचरित मानस, ये रामचरित मानस अवधि भाषा में है और इसका उत्तर है वाल्मीकि रामायण। तो क्या होगा इसका उत्तर? संस्कृत, इसका उत्तर होगा संस्कृत, ठीक है। और ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में 6000 श्लोक थे बस। रामायण का एक और दूसरा नाम है चतुर्विंशति सहस्त्री भी कहा जाता है, उसको चतुर्विंशति सहस्त्री भी कहा जाता है कि उसमें टोटल श्लोकों की संख्या बढ़कर के 24,000 हो गई है, इसलिए। ठीक, नेक्स्ट,
तो ये था हमारा एंशियंट के कुछ फैक्ट को लेकर के एक एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम लोगों ने एक एक प्रश्न की बारीकियों को डिस्कस किया है और ये भी बताने की कोशिश की है कि बाकी ऑप्शन से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, बाकी ऑप्शन का कहाँ यूज किया जा सकता है। तो आप इस सीरीज का लाभ उठाएं, उसको देखें ध्यान से, और जो डिस्कशन उसमें किया गया उसको थोड़ा सा ध्यान से सुने, ताकि आप उससे रिलेटेड कोई दूसरा प्रश्न आएगा तो उसको आसानी से एलिमिनेटन मेथड से उसको कर सकते हैं, या किसी सीधा फैक्चुअल आपको पता है तो उससे भी आप टिक करके कर सकते हैं। तो हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। अभी हम लोग एंशियंट के इस टॉपिक को, वैदिक लिटरेचर को किया है, अब हम एंशियंट के अगले टॉपिकों को इसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडी, हैव ए गुड डे।